कितना डाटा क्लास में गंदगी है। यहाँ पे सफाई वफाई होती है क्या? चल के देखो क्या। चल तो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ मेरे को बहुत डर लगता है। वही तो पानी भी खत्म हो गया। किस्मत ही खराब है। चल चल ये तुमने क्या किया? एक बॉटल तो है, इतना सारा कचरा है, एक बॉटल से क्या फर्क पड़ेगा? वो बॉटल जब यहाँ घास में दफनाई जाएगी वो डिग्रेडेबल नहीं है। पर वो हमारे घास को फायदा नहीं करेगी, वो हमारे पौधों को नुकसान करेगी। उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें इस कचरे से अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें उसका सलूशन निकालना होता है, उसको और बढ़ावा नहीं देना होता है। तुम्हारे पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो अपना ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर खोलो और स्वच्छ भारत ऐप को इंस्टॉल करो। तो आपको टॉप में दिखेगा स्वच्छता मोहुआ, आपको उसमें दबाना है और ऐप की स्क्रीन पे इंस्टॉल दबाना है। आपको अपना जीपीएस ऑन रखना है, आपको कैटेगरी बतानी है और आपको बताना है कि बेसिक एड्रेस वो किस लैंडमार्क के आमने या फिर सामने है। आपको उसे शेयर भी करना है और स्वच्छता को आपका लोकेशन जानने देना है ताकि वो देख सके कि आप कहाँ हो और फिर आप अपनी कंप्लेंट पोस्ट कर सकते। कीड़ा कचरा जैसे केले का छिलका या खाने पीने के पदार्थ हरे डब्बे में जाएंगे और सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक या पेपर जो रिसाइकल हो सकते हैं वो नीले डब्बे में जाएंगे। कीड़ा कचरा एक साथ डालने से हम खाद बना सकते हैं। सूखा कचरा एक साथ डालने से हम उसको रिसाइकल करके दूसरे पदार्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you for watching this.